तो नमस्कार जैन साथियों, कैसे हो आप सभी? आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ होंगे, अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे और जमकर पढ़ाई कर रहे होंगे। तो पढ़ाई के इसी सिलसिले को जारी रखने के लिए हम लेकर आए रीजनिंग का बेहतरीन सेशन। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि आज हमारा जो प्रैक्टिस सेट है ये है प्रैक्टिस सेट नंबर 10। तो और आज का भी सेम, जैसा कि डेली का हम लोग का टारगेट होता है 25x25, तो आज भी टारगेट रखेंगे 25x25। और तैयार हो जाइए इस टारगेट को पूरा करने के लिए बेहतरीन और लाजवाब क्वेश्चनों के साथ। तो तुरंत सभी बच्चे एक बार लाइव हो जाएंगे और जल्दी से देंगे स्क्रीन पर इस पहले क्वेश्चन का आंसर। सभी बच्चे एक बार केवल अकेवल ओनली 20 सेकेंड के भीतर इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। तो स्टार्ट कीजिए, सभी बच्चे लाइव हो जाए, इस वीडियो को लाइक कर दें, शेयर कर दें और जल्दी से आप लोग सभी बच्चे इस क्वेश्चन का आंसर देंगे। अनिल बाबा नमस्ते भाई, पूजा गुप्ता यहां पे, राम गोपाल पंचाल नमस्ते, सभी बच्चों को नमस्ते और जल्दी से आप लोग इस क्वेश्चन का आंसर दीजिए। देखो टाइम तो ओवर हो गया है, 20 सेकंड चला गया है, देखो कितने बच्चे आंसर देंगे। आप लोग ये बताइए क्या ये क्वेश्चन समझ में आ रहा है? सच बोलना, झूठ बिल्कुल नहीं बोलना, आप लोगों को भी राइट सच बोलना है। कितने बच्चे बोल रहे हैं हाँ सर समझ में आ रहा है, ठीक है आंसर नहीं दे रहे हो? अरे बिल्कुल, जय हिंद नमस्ते बिल्कुल। अब देखो लॉजिक क्या लग रहा है, कुछ बच्चे जो आंसर नहीं दे रहा, आइए जल्दी से बताते हैं लॉजिक क्या लग रहा है। पहला लॉजिक, एक मिनट, जब भी आप लोगों को लॉजिक ना लगे ना एक बार पूछ लेना। देखो भाई n बराबर 14 होता है, यस सर। अगर हम 14 का स्क्वायर कर दें कितना आएगा? आपने बोला 196 आएगा। अगर 14 का स्क्वायर 196 और अगर इसमें 100 घटा देंगे तो केवल 96 ही बचेगा ना, आपने बोला यस सर। क्या वो लॉजिक इसमें लग रहा है? L बराबर 12 और 12 का स्क्वायर होता है 144, अगर इसमें 100 घटा देंगे तो क्या हमारा केवल 44 ही बचेगा ना, तो ऑनली 44 बचेगा, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी होगा। बी इज एग्जैक्ट और करेक्ट आंसर। कितने बच्चों ने ऑप्शन बी बोला है? बहुत शानदार। नेक्स्ट क्वेश्चन और देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है, बिल्कुल शानदार और जानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में आप लोगों को बताना है तो नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, ये बताइएगा इस जो ये डायग्राम है टोटल कितने ट्रायंगल हैं। टाइम आप लोगों 30 सेकंड टाइम स्टार्ट कीजिए, बताइएगा इसका आंसर क्या आएगा। भाई जियाउल हक कह रहे हैं गुड नाइट सर, गुड नाइट नहीं गुड इवनिंग कर लो भाई, गुड नाइट तो सर बाद में होता है। 44 बहुत अच्छी बात है। गजेंद्र सॉरी सर लेट, कोई दिक्कत नहीं भाई, ज्यादा लेट नहीं हुआ, ये दूसरा ही क्वेश्चन है, बताइए आंसर क्या आ रहा है। टाइम इज ओवर, कितने बच्चे हैं जो इस क्वेश्चन का जवाब देंगे? अच्छा आप लोग अगर नहीं देंगे तो पहले हम देते हैं और चेक करते हैं कि आप लोगों ने क्या दिया था। देखो सबसे पहली कंडीशन ये है ना, अगर हम इसकी बात करें, आप लोगों को दिख रहा है सर यहां पर कितने ट्रायंगल होंगे? इस बेस की बात करेंगे तो आपने बोला सर एक ये, दूसरा ये, तीसरा तीन इसमें होंगे, अच्छा चौथा ट्रायंगल ये होगा और पांचवा ट्रायंगल ये होगा, कितने हो गए? पांच। अगर पांच इसमें तो सेम वही चीज इसमें भी है ना, तीन ये, चौथा ये, पांचवा ये, तो अपना पांच पांच दस। अब रुक जाना, दस के बाद हम ये कह रहे हैं सर ये बताओ इस आधार पर कितने होंगे? एक ये, दो ये, तीसरा ये, तो तीन इस पे और तीन इस पे, तो बताओ भाई पांच पांच दस, तीन तीन छह, ये तो हो गए 16। अब देखो 16 के बाद हम क्या कह रहे हैं, 16 के बाद एक बात बताओ, ये जो बड़ा, ये जो सीधे लाइन यहां पर जा रही है तो इस आधार पर भी तीन होंगे ना, तो तीन तो, अरे भाई कैसे, एक ये, दूसरा ये और तीसरा ये, तीन ये हो गए सर। तीन के बाद ये चौथा और ये पांचवा, बहुत अच्छी बात है। पांच के बाद ये छठवा, तो एक बात बताओ आप लोगों ने क्या आंसर दिया? 16 ये हो गए। अरे देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, पांच पांच दस छह 16। अब देखो इसमें कितने आ रहे हैं, तो आपने बोला सर इसमें तीन ये हो गया, अरे भाई इस बेस पे तीन चार पांच, ठीक है भाई पांच, इसमें गए 16 पांच 21, अच्छा 21 में एक जोड़ेंगे तो यहां पे 26 हो गया, सॉरी 21 एक 22 हो गया। अब सुनना इन सबको भूल जाओ, भूलने के बाद हमारी एक बात सुनिएगा, बात कौन सी सुनिएगा, ये तो टोटल 16 पांच 21 एक 22 हो गए। अगर हम इसको देखते हैं और इसकी बात करेंगे तो सर इसके अंदर क्रॉस लगा है 1 2 3 4 और 4 2 8, तो बच्चों एक बात बताओ 16 5 21 1 22 8 कितना होगा? 30। और राइट आंसर क्या आ जाएगा? 30। क्या आप लोग ने भी यही जवाब दिया है? सच बोलना, क्या 30 आंसर दे रहे हो आप लोग भाई? तो यहां पे जो आंसर आ रहा है ना केवल 30 आएगा, याद रखिएगा इस चीज को।
ऑप्शन नंबर डी रॉन्ग होगा भाई, गलत होगा। ये रहा अगला क्वेश्चन स्क्रीन पर, और बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या आना चाहिए। टाइम आप लोगों के पास ओनली 30 सेकंड रहेगा, जल्दी से स्टार्ट करें सभी स्टूडेंट। गजेंद्र नहीं 27 नहीं 28 होगा, मिथुन घोष ने बोला है 30, बहुत अच्छी बात है भाई 30। मिथुन घोष आप कुछ ही क्वेश्चन के आंसर गलत देते हो, वैसे बहुत अच्छी बात है कि सही आंसर देते हैं। विजय डी ऑप्शन, जल्दी से बताइए आंसर क्या आएगा। आंसर देने में कोई कोताही नहीं, कोई आलसपन नहीं, बड़े आराम से आंसर देना है। अरे टाइम इज ओवर भाई, लॉजिक क्या लग रहा है सुनिएगा। देखो भाई इसमें हम लोग लॉजिक क्या लगा है, अगर हम इसका दुगना कर दे 24 दुनी क्या होता है, छोटी सी बात सुनिएगा। लॉजिक की अगर बात करते तो लॉजिक आप लोग समझिएगा। अच्छा लॉजिक ये लग रहा है ना कि अगर हम यहाँ पे छोटी सी बात सुनो, अगर 24 में 2 का गुणा कर दे तो 24 दुनी 48 होगा, 48 होगा, और यहां पे अगर 32 जोड़ दो तो कितना आएगा। आपने बोला सर 80 आ जाएगा, अरे भाई दुगना करके 32 जोड़ दो 80 आ जाएगा, क्या वो चीज इसमें हो रही है। 26 दुनी 52 हो जाएगा, और 52 में 34 जोड़ो सर रॉन्ग, 22 दुनी 44 कभी नहीं होगा, 28 दुनी 56, और 56 में जब आप 36 जोड़ोगे तो बिल्कुल सही 92 आएगा। अगर विश्वास नहीं होता है जोड़ के देख लो, 6 6 12 और 5 3 8 1 9, तो राइट आंसर 92, और 92 का मतलब हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो सी एग्जैक्ट और राइट आंसर आएगा, ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखो भाई, सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का जवाब देना होगा। एक बार सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे, बोलो भाई आंसर क्या रहा है। सी ऑप्शन गजेंद्र, सर साइड नहीं हो रहा, साइड हो जा रहे, क्या दिक्कत है, बिल्कुल साइड हो गए, बताइए आंसर क्या आ रहा है। गजेंद्र सी ऑप्शन आ रहा है, ठीक है भाई सोलीवाल सी, बताइए आंसर क्या आ रहा है आप लोग का। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे, बहुत टाइम इज ओवर। देखो भाई इसमें ज्यादा टाइम देंगे नहीं, क्वेश्चन क्या बोला गया उसको बस आप लोग समझिएगा। क्वेश्चन ये कहा गया है के पी की सास है। अच्छा एक बात बताओ, के जो है ये सास है, किसकी सास है, पी की सास है, लेकिन ये नहीं पता है कि ये बहू है, मतलब ये कहने सास है ना, तो लड़कों की भी सास होती है, लड़कियों की भी सास होती है। आगे चलो, पी का विवाह एस से हुआ है, तो पी की जो शादी हुई है वो एस से हुई है। आगे देखते हैं, के की केवल एक बेटी है, जब के की केवल एक बेटी है तो ये बेटी होगी इसकी एस माइनस, और ये इनका दामाद होगा। अब देखो एल पी की बेटी है, यानी इन दोनों की बेटी कौन है, तो इन दोनों की बेटी एल है, ठीक है। अब देखिएगा आगे, ये बेटी है, आपसे पूछा गया है तो बताइएगा कि जो एस है वो के की क्या लगेगी। अरे भाई एस तो के की डॉटर लगेगी, कितना सिंपल क्वेश्चन है, ऑप्शन नंबर ए, और यही हमारा राइट आंसर रहेगा। उम्मीद करते हैं कि आप सब लोग का भी यही आंसर आ रहा है, पुत्री बहुत अच्छा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन लॉजिक लगाइएगा और ये बताइएगा इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है कि हम लोग बड़े आसानी से सॉल्व कर लें। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, टाइम 30 सेकंड, ठीक है 30 सेकंड है, सभी बच्चे आंसर देंगे, सभी बच्चे इस क्वेश्चन का सही जवाब देंगे। आप लोग को यह बताना होगा कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या आना चाहिए। हाँ जी बताइए क्या आंसर आ रहा है। गजेंद्र दामाद, दामाद, अरे 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 नहीं बच्चा पुत्री होगा, दामाद क्यों कह रहे हो। राम चौधरी जियाउल हक, बोलो भाई टाइम इज और, अच्छा माइंड नहीं लगा रहे हो। अच्छा देखो छोटी सी बात, देखो यहाँ पे क्या लग रहा है लॉजिक, अगर हम इसका रूट कर ले कितना आ जाएगा। आपने बोला सर 8, अरे 64 भाई किसका स्क्वायर होता है, तो आपने बोला सर जो 64 होता है ना, इसका रूट लो यहाँ पे 8 आ जाएगा, इसका रूट लो यहाँ पे 5 आएगा। अगर हम दोनों का मल्टीप्लाई कर दें तो 8 5 40 होगा, और अगर हम 16 घटा दे 40 में कितना आएगा 24। क्या वो लॉजिक यहां पर किया गया है। इसका रूट होता है 15, इसका रूट होगा 7, और 15 साथ कितना होगा 105, और 105 में अगर 25 घटा दोगे 80 आता है। तो सेम उसी प्रकार इसका, ये किसका रूट होता है 18 का, इसका रूट 10 मल्टीप्लाई कर दो 180,
अब 180 में जब 49 घटाएंगे तो एक यहां पे 10 में से 9 गया एक, यहां बचता है 7 में से 4 गया 3, 131। राइट आंसर 131 होगा और डी को हम लोग टिक कर लेंगे। क्या आप लोग भी यही जवाब दे रहे हैं? तो बहुत शानदार जिन बच्चों ने डी ऑप्शन दिया है। अब चलेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अब अरे वाह क्या बात है सर, ये तो प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया है ना। हाँ हाँ पूछा गया है बच्चों। तो बताओ इनमें जो है एक ग्रुप मैच करता है और वो ग्रुप कौन सा होगा, ये जवाब आप लोगों को देना होगा। बताइएगा इसका आंसर क्या आना चाहिए। सभी भाइयों को त्रिपुरा से गुड इवनिंग। क्या नाम है? कलुआ डॉन। अरे वाह ठीक, बहुत अच्छी बात है। क्या बढ़िया बढ़िया आप लोग नाम लेकर आते हैं। बोलो भाई टाइम इज ओवर। अच्छा एक बात बताइए, छोटी सी बात, जिन जो बच्चे नहीं समझ पा रहे, हमें ये लग रहा है ना कि देखो भाई ये जितने भी लाइनिंग वाले ऐसे हैं, नॉर्मल अगर हम बात बताएं आप लोगों, देखो ये नॉर्मल जो लाइनिंग वाले हैं ना, इनका ग्रुप एक चल रहा है। यहां पर भी लाइनिंग है भाई, ठीक है, यहां पर भी ऐसी लाइनिंग है। तो 4, 6 और 9 आपने बोला सर, यहां पे 4, 6, 9, 4 हो गया, 6 हो गया, 9 हो गया, ये ग्रुप में आ गए। अब सुनिए हम क्या कह रहे हैं। हमने बोला यहां पर 1, 2, 3, 4 ये 1, 2, 3, 4 यहां पर 1, 2, 3, 4 तो सर 1, 2, 5 ये ग्रुप एक साइड आएगा, 1, 2, 5 वाला, तो 1, 2, 5 ये ग्रुप एक साइड है। देखो भाई 4, 6, 9 कहीं है सर, इकलौता ऑप्शन है 1, 2, 5 है। यस बचता गया है 3, 7, 8, 3, 7, 8 बिल्कुल ही सेम एक जैसे हैं, तो ऑप्शन डी होगा। क्या आप लोग भी यही आंसर दे रहे हैं? सच बताइएगा। तो डी बिल्कुल सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, ऊपर एक सीरीज दे रखी है, ओनली ये 20 सेकंड का क्वेश्चन है और जल्दी से आप लोगों को जवाब देना होगा। आप ये बताइए जो ये ऊपर सीरीज दे रखी है, इस सीरीज के अकॉर्डिंग यहां पे क्या आना चाहिए, जो ये क्वेश्चन मार्क है आप ये तय कीजिए यहां पर लॉजिक क्या लगेगा और क्या आएगा। केवल 20 सेकंड का समय देंगे, कीजिएगा भाई। गजेंद्र, प्रसाद बिंद्रे, शिवांशी यादव डी, शान्या सिंह राजपूत, राधे राधे भाई, सभी बच्चों को राधे राधे। बता दो आंसर क्या। अरे टाइम इज ओवर, बताओ कितना समय देते हैं। एक बात सुनिएगा, ये जो ओ लिखा है, स्टार लिखा है, एम लिखा है, देखो इसके बाद क्या है, एक को छोड़ दिया गया, फिर लिखा गया सी डॉलर टी, फिर एक को छोड़ दिया गया, अरे बी छोड़कर एट द रेट एस एल लिखा गया है, यही तो है, फिर एक को छोड़कर डबल एस यू डी। तो बच्चों एक बात बताओ, फिर से हम एक को छोड़कर क्या लिखेंगे, ये हो जाएगा फुल स्टॉप, यहां पर एल वी। तो राइट आंसर क्या आ जाएगा यहां पे, ऑप्शन नंबर डी। क्या आप लोग भी यही जवाब दे रहे हो? सच बताना, झूठ मत बोलना। तो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, बहुत बढ़िया। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देना होगा आप लोगों को आंसर। वाह कितना छोटा सा क्वेश्चन है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है, और ये बताइए कि इसका आंसर क्या होगा। अच्छा आप लोग एग्जाम में इस टाइप का क्वेश्चन जो है बहुत आता है, बहुत ज्यादा। देखो भाई क्या कह रहा है, कहा गया जितने भी ये ट्रायंगल्स वाली है ना, ये गर्ल्स हैं, यहां पे गर्ल्स हो गई हैं, ठीक है। फिर कहा गया है ये जो आप लोग के स्क्वायर वाले हैं, ये बॉयज हो गए, चलो भाई ये लड़के हो गए, कोई दिक्कत नहीं। फिर ये सर्कल वाले एथलीट्स हो गए हैं, ठीक है, ये एथलीट्स हो गए हैं। और आप लोग से कहा गया ये जो है डिसिप्लिन वाले हो गए, जो ये बड़ा सा है डिसिप्लिन को शो करता है। अब बताओ क्या बोला गया है, पढ़ो और आंसर दीजिए क्या बोला गया है। उन लड़कियों की संख्या कितनी है जो एथलीट तो है लेकिन अनुशासित नहीं है, ये आंसर आप लोग को देना होगा, हम नहीं देंगे। ये आप लोग दोगे, साइड तो है ही है भाई, देखो टाइम इज ओवर। उन लड़कियों की संख्या, तो भैया लड़कियां हैं तो लड़कों को तो पहले ही हटा दो, केवल गर्ल्स को लेंगे, और ऐसी गर्ल्स जो एथलीट तो हैं लेकिन डिसिप्लिन्ड नहीं है, तो डिसिप्लिन्ड को हटा दो, ये डिसिप्लिन्ड हट गया। तो भाई केवल बचता गया है यहां पे उन लड़कियों की संख्या, ना तो वो सॉरी एथलीट्स हो लेकिन डिसिप्लिन्ड ना हो। तो भाई बताइए ये केवल 4 आता है और 4 का मतलब ऑप्शन नंबर ए। उम्मीद करते हैं कि आप लोग ने भी यही आंसर दिया होगा। तो बहुत शिवांशी बोलनी सी बिल्कुल गलत है, 3 जो है ना 3 होगा ही नहीं, यहां पे 4 राइट आंसर आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देखना है और लॉजिक बताना है। देखो भाई इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है बताइएगा, आखिर इस क्वेश्चन में कौन सा लॉजिक लगाया जा रहा है, बताओ भाई सभी बच्चे।
एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज सारे बच्चे कहां गए भाई? विनीता कुमारी, अंजिता मंडल, गजेंद्र, कहां मिस्टेक हो गए भाई आप लोग से? जियाउल हक, सान्या सिंह, ठीक है भाई, बहुत अच्छी बात है। 30 सेकेंड टाइमिंग है, ठीक है बच्चों, आप बताइए राइट आंसर क्या होना चाहिए, लॉजिक क्या लग रहा है इसको देखो। अरे लॉजिक तो समझो क्या लग रहा है, अगर हम 12 में 9 से गुणा कर देंगे तो 12 9 108 होता है। अच्छा हमारी जिद है कि 12 से 102 बनाएंगे, 12 में 9 का मल्टीप्लाई कर दिया 108 आ गया, अगर 108 में 6 घटा दे तो 102 आया, 6 कहां से आया, इस 12 का आधा कर दो 6 आ जाएगा। अब देखो लॉजिक, अरे वाह क्या बात है, तो भाई अगर 6 में 9 का गुणा करेंगे 6 नहीं 54 और 6 का आधा होता है 3, तो 54 में 3 घटाओगे 51 आएगा, तो 52 बोल रहा है। 14 गए भाई, इसमें 14 में 9 का गुणा करके फिर 6 7 घटा दो क्या 126 आएगा, गड़बड़ सर। अगर 8 का अगर 9 में गुणा करोगे तो 8 9 72 होता है, ठीक बहुत सही। 8 में कितने का गुणा करोगे, 9 का 72, और 72 में अगर आप 8 का आधा 4 घटाओगे तो आएगा 68, और जो चीज यहां पे हो रही है सेम वहीं पे हो रही है, तो ऑप्शन राइट होगा कौन सा, 868 राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग भी यही जवाब दे रहे हो, बहुत शानदार जिन बच्चों ने ऑप्शन नंबर सी दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टाइम स्टार्ट ओनली 20 मिनट्स, ठीक है सभी स्टूडेंट करेंगे, ओनली 20 मिनट्स आप लोग के लिए टाइम दिया गया है, जल्दी से आप लोग करेंगे और सही आंसर बताएंगे। ये तो तय करना होगा कि आंसर क्या आएगा, बिल्कुल हम साइलेंट हो गए हैं क्योंकि आप लोग वायलेंट करें, अच्छे से आंसर बताएं। राम चौधरी, विनीता कुमारी, जियाउल हक, शिवांशी, गजेंद्र बहुत अच्छा, सान्या सिंह, मिथुन घोष बिल्कुल सही, लाजवाब ठीक है भाई बहुत बढ़िया, लाजवाब दे रहे हैं आप लोग। बच्चों टाइम इज ओवर, देखो क्या बोला गया है, कुछ कुत्ते सॉरी सभी कुत्ते बिल्लियां हैं। अच्छा एक बात बताइए आप सब लोग, ये क्वेश्चन तो आप गलत करेंगे नहीं, सभी कुत्ते क्या है, सभी कुत्ते जो है ना ये बिल्लियां हैं, तो ये तो बिल्ली आ गई ठीक है भाई, सभी कुत्ते बिल्लियां हैं, सभी बिल्लियां चमगादड़ है, सभी बिल्ली क्या है, सभी बिल्ली चमगादड़ है। चलो भाई देखो क्वेश्चन क्या, निष्कर्ष क्या बोला, सभी चमगादड़ बिल्लियां हैं, क्या ये सही है, ये तो गलत है ना, सभी चमगादड़ बिल्ली कैसे होगी, सारी बिल्ली चमगादड़ होगी लेकिन सभी चमगादड़ बिल्लियां नहीं होंगी, गलत। सभी कुत्ते चमगादड़ है, क्या ये बात सही है, तो सभी कुत्ते चमगादड़ होंगे, यस बिल्कुल सही, केवल दूसरा अनुसरण करता है, यानी ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। क्या आप लोग का भी ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बहुत सही, ओनली 2 फॉलो। नेक्स्ट क्वेश्चन, ओनली 20 सेकेंड, देखो भाई क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम आप लोग को टाइम देते हैं, कहां पे हमको 30 सेकंड का देना है और कहां पे हमें 20 सेकंड का देना है, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ क्वेश्चन, क्वेश्चन का जो है टाइम टेकिंग है कि नहीं है, ठीक है बताओ इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, केवल 20 सेकंड है और जल्दी से आप लोगों को बताना होगा। बोले क्या आंसर आ रहा है भाई, ठीक टाइम इज ओवर। अच्छा देखिएगा, अगर हम एक बात करें क्या लॉजिक लग रहा है इसमें, हाँ लॉजिक पकड़ में ये आ रहा है कि अगर हम इस 6 में, देखो भाई हम क्या कह रहे हैं, जो हम कह रहे हैं उन बातों को बस बड़े गौर से देखो, अगर गौर से आपने देख लिया तो आंसर भी दे दोगे। अगर 6 में हम 14 जोड़ दे तो कितना आएगा, 20, बिल्कुल। अगर हम 20 में फिर से 14 जोड़ दे तो 34 आएगा, और 34 में फिर से अगर हम कितना जोड़ दे, 14 जोड़ दे तो 48 आएगा। अब ये बताइए अगर हम 7 में क्या जोड़ दें, अच्छा 7 से पहले ये बताइएगा इन दोनों का डिफरेंस कितना आ रहा है, 19 और 25 का 6 आ रहा है ना, 19 में 6 जोड़ोगे 25, अगर यहां पे हम लोग क्या करें 13 में 6 जोड़ दे तो आ जाएगा 19, इसका मतलब 7 में भी 6 जोड़ा गया है, नीचे 14 14 ऊपर 6 6, तो 7 में 6 जोड़ोगे आएगा 13, राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, और यही उम्मीद करते हैं सब लोग का भी यही आंसर आ रहा होगा, बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन बहुत अच्छा है और इतना अच्छा है कि सर आपके एग्जाम में पूछा गया है, तो अगर एग्जाम में पूछा गया है तो कम से कम ये क्वेश्चन तो गलत मत कीजिए। टाइम जो है 30 सेकंड होगा, बताइए इसका सही जवाब क्या आएगा, टाइमिंग जो है 30 सेकंड रहेगी और इसका सही आंसर आप लोगों को देना होगा,
बताइए राइट आंसर क्या आ रहा है। हां जी सभी बच्चों को इस क्वेश्चन का आंसर देना होगा। हम देखते हैं आधे बच्चे जैसे बड़े वाले क्वेश्चन देखते ना कहते नहीं नहीं इसका आंसर तो देना नहीं है। देखो पढ़ो क्वेश्चन क्या है, यदि प्रत्येक जितनी भी गेंद है ना उनका वचन पहले आप लोग कर लो फिर हम बता देंगे ठीक है। टाइम इज ओवर। देखिए क्या बोला गया है प्यारे साथियों, ये क्वेश्चन ये है कि प्रत्येक गेंद का जो वेट है ना वो समान है, जितनी भी गेंदें हैं सबका भार एक समान है। 10 लोहे की गेंदों का वजन क्या होगा, 10 लोहे की जो गेंद है उसका वेट क्या होगा, वजन क्या होगा। पहला कह रहा प्रत्येक गेंद के प्रत्येक गेंद का जो वजन है ना, प्रत्येक गेंद के वजन का 1/4 भाग 5 kg है, यानी जितनी भी बॉल है ना उनका वेट जो है टोटल वेट का 1/4 भाग जो है 5 kg है। तो बताओ अगर 1/4 भाग 5 kg है तो बॉल का वेट कितना होगा, आपने बोला 20 kg। सर ये बताओ यहां पे यही तो पूछ रहा है कि जो बॉल है बॉल उसका वेट कितना होगा, लोहे की 10 बॉलों का वेट, तो जब एक का आप लोग का 20 है तो 10 का कितना होगा बोलोगे, 200। यानी हमने इस कथन से आंसर दे दिया। अब देखो 3 लोहे की गेंदों का कुल वजन 2 लोहे की गेंदों के कुल वजन से 20 kg ज्यादा है। अरे भैया जब आपको पता है 3, देखो भाई 2 लोहे की गेंदों से 20 kg ज्यादा है 3 का, तो हमें यह पता चलेगा कि हर बॉल का वेट कितना होगा 10-10 का। तो भाई आपका जवाब देने के लिए यह भी सही है और यह भी सही है, यानी आप इससे भी जवाब दे सकते हैं और इससे भी दे सकते हैं, यानी या तो पहला और या तो दूसरा, या तो वाली कंडीशन लगेगी। तो बच्चों ध्यान दो यहां पे अकेला दूसरा पहला नहीं, यहां पे देखो भाई ये दोनों सेम दिए हैं तो सेम नहीं होगा, यहां पर या तो लगेगा या तो पहला और या तो दूसरा, यहां पे मिस प्रिंटिंग है इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो ऑप्शन ए हमारा राइट आंसर होगा, याद रखिएगा यहां पर या तो वाली कंडीशन लगेगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, बताइएगा हैप्पी। अरे सर ये कुछ ज्यादा ही अच्छे से लिख गया है, क्या बात है भाई, ये हैप्पी लिखा गया है और आपसे हम ये कह रहे हैं जो हैप्पी है ना आप ये बताइए इसका मिरर इमेज क्या होगा। हैप्पी लिखा है बच्चों और हैप्पी का मिरर इमेज आप लोगों को बताना है, तो बताइए हैप्पी का मिरर इमेज क्या होगा। एक बार जल्दी से सभी बच्चे हैप्पी का मिरर इमेज बताएंगे, बोलो भाई। टाइम स्टार्ट होता है केवल 20 सेकेंड, क्वेश्चन तो 20 सेकेंड का भी नहीं है। बहुत सफिशियंट, बिल्कुल सही। इसमें आप लोग का भाई गजेंद्र या तो वाली कंडीशन नहीं लगी थी, ठीक है। हां जी बताइए कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं भाई, ये तो टाइम इज ओवर। अच्छा देखो भाई जल्दी से एग्जाम में जल्दी कैसे करोगे, ये वाई है कभी। अच्छा देखो अगर जब भी आप लोग से मिरर इमेज पूछेगा तो कभी टॉप और बॉटम चेंज नहीं होते, उल्टा नहीं हो जाते, ये तो वाई उल्टा है सर कभी जिंदगी में नहीं होगा, ये कभी जिंदगी में नहीं होगा, पी बिल्कुल सेम है ये कभी होगा नहीं। तो सर हमें तीसरे ऑप्शन को चेक करने की आवश्यकता नहीं, डायरेक्टली ऑप्शन नंबर सी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन अब देना होगा इस क्वेश्चन का आंसर। वाह कितना बढ़िया क्वेश्चन है, इसमें या तो गलत लगेंगे तो सभी गलत लगेंगे और सही लगेंगे तो सारे सही लगेंगे। अब तय यह करना है कि इनमें सबसे अलग क्या है, बताइएगा एक बार सभी बच्चे इनमें सबसे अलग क्या है। एक ऑप्शन है जो बिल्कुल हटके है, गजेंद्र सी, ठीक है। गजेंद्र सी की सी क्यों दिया भाई, सी दे रहे हैं भाई आप सभी लोग। अच्छा हां सी तो था सही, ठीक है। लॉजिक ये है जितनी संख्याएं अगर हम ये कहें क्या सभी 2 से कट रही, जी सर सभी की सभी संख्याएं 2 से कट रही हैं, लेकिन एक बात ध्यान दीजिएगा सर इनमें जो है इकलौता 10-24 ऐसी संख्या है जो 32 का वर्ग होता है, बाकी कोई भी संख्या किसी का वर्ग नहीं होता है, क्योंकि सर ये रूट स्क्वायर बन रहा है बाकी किसी का रूट स्क्वायर नहीं, इसलिए जो सबसे अलग होगा ये ऑप्शन नंबर बी होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 15। सर आपके एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है। मान लेते हैं कि सर एग्जाम में आया है, कहीं फिर से पलट के आ जाए तो बताइए क्या आप इसको गलत करके आएंगे, नहीं आपका फर्ज है कि सर इसको सही करें, तो बताइए इसका आंसर क्या आएगा। पहले लॉजिक को समझिएगा और समझने के बाद आंसर दीजिएगा, बिल्कुल हम साइड हो गए हैं, ठीक है। बताइए आंसर क्या आ रहा है,
टाइम इज ओवर, ठीक है। अब देखिएगा लॉजिक क्या लगाया जा रहा है, कितने बच्चे क्या आंसर देंगे। देखो लॉजिक ये है ना, अच्छा देखो ये बड़ा वाला जो आपका ट्रायंगल है ना, उससे टच क्या है, उससे टच है ये एरो टाइप एरो शेप, इसको 90 डिग्री ऐसे घुमा दिया गया। अरे 90 डिग्री अगर क्लॉकवाइज, सॉरी एंटी क्लॉकवाइज घुमा, क्लॉकवाइज क्लॉकवाइज ये होता है एंटी क्लॉकवाइज, अगर एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो डायग्राम ये बनेगा। यानी कहने का मतलब ये है, ये जो डायग्राम है अगर इसको हम लोग एंटी क्लॉकवाइज घुमाएंगे तो ये ऐसे घूम जाएगा, और जब ये ऐसे घूमेगा तो जिस प्रकार इसमें एरो से लगा था ये सेफ, वो ब्लैंक यानी वो व्हाइट हो जाएगा, खाली हो जाएगा। उसी प्रकार सेम जब ये पलटेगा तो ये ऊपर वाला ब्लैंक होगा। तो सर ऊपर वाला व्हाइट होगा, लेकिन ये तो बड़े वाले को दिखा रहा, हमें छोटा वाला व्हाइट होना चाहिए ना, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। अच्छा कितने बच्चों ने सही आंसर दिया है, डी बिल्कुल राइट आंसर, और डी का मतलब क्या हो जाएगा, चौथे का मतलब होगा आप लोग का ऑप्शन नंबर सी। बहुत शानदार गजब आंसर दिए हो, वाह क्या क्वेश्चन आया है। अब इसका जवाब भी आप लोगों को देना होगा, ठीक है, और बिल्कुल राइट आंसर देने का बता दीजिए इसका आंसर क्या रहा है। एक बार सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का बिल्कुल बिंदास वाला आंसर देंगे, लखन बिंद 4 बिल्कुल सही, क्रेजी 68 सी, शिवांशी सी, गजेंद्र बहुत अच्छा आंसर भाई, तो क्या बोल रहे हो भाई, गलत भी देते हो आप लोग, हैं क्या बात है। अब बताइए राइट आंसर क्या है इसका भाई, 30 सेकंड का समय दे रहे हैं, 30 सेकंड का समय, और ये आप लोगों को करने के लिए दिया है। अब देखते हैं कितने बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत सारे बच्चे गलत आंसर दे रहे हैं भाई। अब बच्चों एक बात बताओ, छोटी सी बात, डी बराबर 4 होता आपने बोला, जी सर हम करें इसका स्क्वायर कर दो, आपने बोला 16, अरे बहुत अच्छी बात है 16 हो गया। अच्छा एक बात बताओ, एफ बराबर 6 का स्क्वायर कितना होगा सर, 36 होगा, दोनों को जोड़ दो आएगा 52, आधा कर दो आएगा कितना 26। लॉजिक ये है ना, अगर आप इसका स्क्वायर करोगे 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25, 25 9 34, 34 का आधा 17, ये तो गलत तो होगा सर। जी है यहाँ पे 7 स्क्वायर 49 और यहाँ पे 9 81 कभी करेंगे नहीं आएगा। अच्छा H बराबर 8, 8 का स्क्वायर होता है 64 और D का स्क्वायर यानी 4 का स्क्वायर 16, और बच्चों 64 और 16 कितना होगा 80, और अगर इसका आधा कर दोगे तो आ जाएगा 40, यानी जो सेट ये है सेम उसका संबंध ऑप्शन नंबर सी से है। तो क्या आप लोग सी आंसर दे रहे हो भाई, बहुत शानदार, जिन बच्चों ने सी दिया है, जो डी बोल रहे हैं पूरी तरह गलत है, केवल सी आंसर सही होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलो भाई, वाह क्या बात है सर, ये तो क्वेश्चन बड़ा बढ़िया है, कहां छुपा के सर रखा था, अरे भाई आप ही लोग के लिए लेकर आया, आप ही लोग के लिए भाई छुपा, आप लोग से छुपा के रखा था, तो आप लोग को ही तो क्वेश्चन दिखाएंगे। सर प्रीवियस एग्जाम में पूछा गया क्वेश्चन है, उम्मीद करते हैं कि सभी बच्चे आंसर दे सकते हैं, बस थोड़ा गौर से देखिएगा, 30 सेकंड टाइम दे रहे हैं और बिल्कुल बढ़िया आंसर आना चाहिए। लॉजिक लगाइए कि आंसर आना चाहिए। अच्छा सर साइड हो जाओ, साइड तो हो गए, टाइम इज ओवर, बताइए क्या आंसर आप लोग दे रहे हैं भाई, आंसर क्या होना चाहिए। एक छोटा सा पॉइंट समझिएगा, अगर हम एक काम करें, देखो भाई ये जो आप देख रहे हो ना, क्या सर देख रहे हैं बताओ, क्या देख रहे हैं हम, कह रहे हैं भाई जब जो डायग्राम देख रहे हो उसको अच्छे से देखा जाए, पहले ये डब्बा ऊपर ऐसे ओपन, पहले नीचे, फिर ये ऊपर, फिर ये नीचे, फिर ये ऊपर, अरे भाई तो अब नीचे होगा, यस सर। अब सुनो जो दूसरा डायग्राम है, देखो ये माइनस ऊपर गया तो यहां पहुंच गया, ये सर्कल ऊपर गया तो यहां पहुंच गया, ठीक, और ये प्लस नीचे आ गया। सर क्या बोल रहे, हम ये कह रहे हैं कि अगर आप इस प्लस को यहां भेज दो तो ये आ गया, इसको उठा के यहां पे कर दो, उठा के नीचे कर दो, यस सर। तो बताओ यहां पर क्या होगा, अगर माइनस को भेजोगे तो यहां पे आएगा, ये डार्क सर्कल ऊपर जाएगा और ये प्लस नीचे का, प्लस माइनस सर्कल, तो आपने बोला सर प्लस माइनस सर्कल और नीचे होना चाहिए, तो ये भाई सभी नीचे है, प्लस माइनस सर्कल ऑप्शन नंबर बी। क्या आप लोग भी ऑप्शन नंबर बी बोल रहे, सच बोलना। तो भाई जो साना गलत आंसर, गजेंद्र डी क्यों बोल रहे हो भैया, डी क्यों बोल रहे हो, प्लस माइनस फिर सर्कल आएगा, देख लो क्या लिखा है, प्लस माइनस ऊपर जाएगा ना, तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा, बी होगा ना कि डी होगा। अगला क्वेश्चन अच्छा सामने से हट जाए बिल्कुल,
बताइएगा आंसर क्या रहा है। हाँ बिल्कुल हम साइड हो गए हैं। अब देखिए लॉजिक क्या है इसमें, कोई लॉजिक नहीं। कथन है कि सातवें वेतन आयोग को लागू नहीं करने कारण जो केंद्र सरकार है उसके सभी कर्मचारी हड़ताल पर चले गए। अब देखिए कार्रवाई क्या हो रही है, सातवें वेतन आयोग को तत्काल लागू किया जाना चाहिए। सर गलत बोल रहा है, ऐसा तो होगा नहीं। कार्रवाई क्या होगी सर, अगर हड़ताल पे चले गए तो कार्रवाई क्या होगी, कह रहा है कि वेतन को लागू कर दो, ये तो सही है नहीं। केंद्र सरकार के सभी कर्मचारी को निलंबित कर देना चाहिए, सर ये भी नहीं है। यानी आप लोग का सर दोनों ही अनुसरण नहीं करता है, ना तो पहला और ना ही दूसरा। ठीक है नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कितने बच्चों ने इस क्वेश्चन का आंसर दिया। बहुत शानदार, नेट कम है, कोई नहीं, अब जल्दी से आप लोगों को आंसर देना होगा। बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, फटाक से भाई इस क्वेश्चन का आंसर दे दीजिए। एक बार सभी बच्चे इस क्वेश्चन का जवाब देंगे और बताइएगा इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है। एक बार जल्दी से सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का आंसर देंगे, बताइए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, क्या लॉजिक लग रहा है, एक बार जल्दी से जवाब दीजिए। टीम बहुत बढ़िया, ओनली 20 सेकेंड। देखो भाई लॉजिक क्या लग रहा है, लॉजिक यहां पे लग रहा है ना, देखो कुछ भी नहीं किया गया है। डी को कोड किया गया है सी से, ई की कोड की गई है डी से, तो बच्चा ये बताओ डी को किससे शो किया गया है, सी से। कई ऑप्शन में सी है, यस, यानी यही वाला लॉजिक लग रहा है। यहां पर ए को डिकोड किया गया है बी से, तो यहां पर बी हो जाएगा। आर को कोड किया गया है क्यू से, तो यहां पर क्यू होगा। और ई को कोड किया गया है सी से, सॉरी ई को कोड किया गया है डी से, तो यहां पर डी होगा। और राइट आंसर सी बी क्यू डी होगा, और सी बी क्यू डी का मतलब ऑप्शन नंबर डी होगा, ये हमारा एग्जैक्ट और राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अब बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या आएगा, बिल्कुल सही आंसर आप लोगों को बताना होगा। बताइए लॉजिक क्या लग रहा है और इसका सही जवाब क्या होना चाहिए, सभी स्टूडेंट इस क्वेश्चन का सही आंसर देंगे। बी ए ए सबके अलग अलग आंसर आते हैं, क्या बात है भाई, बिल्कुल सही जवाब दीजिएगा, आंसर क्या आना चाहिए। हां बताइएगा आंसर क्या रहा, एक बार जल्दी से सभी बच्चे आंसर बताएंगे। 1+1 आप दोनों में चेक कर लो, 1+1 क्योंकि सेकेंड वाले में नहीं होगा गजेंद्र, ये पूरा जो लॉजिक है एक बार चेक कर लीजिए। देखो भाई इसमें है क्या, आपसे कहा गया है V U का भाई है, तो आपने बोला जो V है ना ये भाई है, किसका भाई है, U का भाई है, कोई दिक्कत नहीं। ये नहीं पता है कि ये बहन की भाई है, कहा गया U W की बहन है, तो U बहन हो गई, किसकी बहन हो गई, W की, तो जाहिर सी बात है। अच्छा ये नहीं पता है कि W जो है वो लड़का है कि लड़की है, लेकिन ये पक्का पता है ये बहन है ये भाई है, और ये सभी आपस में भाई बहन है, ये नहीं पता है लड़का है कि लड़की है। आगे देखिए, फिर कहा गया कि जो X U का पति है, X किसका पति है, पति है U का, तो ये दोनों पति पत्नी हो गए। तो पूछा गया है W का V से क्या संबंध है, जो W है ना यह V का क्या लगेगा। अरे भाई जेंडर जब आइडेंटिफाई ही नहीं है, यही नहीं पता है कि ये लड़का है कि लड़की है, तो हम लोग क्या बोलेंगे, सर ये भाई भी हो सकता है ये बहन भी हो सकता है, तो बताओ इसमें आंसर क्या होना चाहिए, ऑप्शन नंबर सी भाई या बहन। क्या आप लोग भी यही आंसर दे रहे हो, बिल्कुल शानदार गजब आंसर दे रहे हैं। अब देखिएगा नेक्स्ट क्वेश्चन, बिल्कुल भाई ऑप्शन पे भी डिपेंड करता है क्योंकि हमारा उसमें ऑप्शन होना चाहिए। ठीक है बताइए इसमें, वाह क्या बढ़िया क्वेश्चन बन के आया है, जो ये डायग्राम दिया गया है आप बस ये बता दीजिए कि इस डायग्राम में टोटल कितने ट्रायंगल हैं, रियलिटी बोलना, बहुत प्यारा क्वेश्चन है और इस क्वेश्चन का जवाब आप लोगों को देना होगा। बस आप ये बता दो कि टोटल कितने ट्रायंगल हैं, हम यकीन मान लेंगे कि ट्रायंगल गिनने में कहीं भी आप लोग गलती नहीं करोगे। स्टार्ट करो, टाइमिंग 30 सेकेंड कीजिए, बहुत अच्छा क्वेश्चन है और जवाब भी बहुत अच्छा लाना चाहिए, स्टार्ट कीजिएगा। टाइम इज ओवर, देखो बच्चों क्या किया जा रहा है, एक मिनट, छोटी सी बात है बड़े गौर से समझना। आप सब लोगों को ये तो पता ही है कि सर यहां पे कितने होंगे, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो 8 8 16, और जैसा कि पता है सर ये 17 होगा और ये 18 होगा, कई बार बता चुके हैं। इसमें टोटल कितने होंगे, 18 हो गया। अब देखो
हम कह रहे हैं अगर इसकी बात करेंगे यहां पर, वो तो 18 हो गया, चलो छोड़ो, अगर इसकी बात करते तो इसमें कितने होंगे, एक ये, दो ये, तीन बड़ा वाला और एक ये छोटा वाला, चार। तो आप लोग सर 18 प्लस 4 हो जाएंगे 22। अब देखो 22 के बाद क्या होगा, 18 चार 22। अब सुनिएगा, इसमें हम कह रहे हैं यहां पर 3 3 6 3 3 9, ठीक है, 3 3 6 और 3 3 9, ठीक है, ये 9 हो गया, तो 9 9 18 ये हो जाएंगे। तो भाई ये बताइए, आपने 18 ये कर लिया, और भी कुछ बन रहा है? तो एक बात बताओ, 18 18 36 4 40 40, भाई और बताओ 40 बन रहा है यहां पे, क्या और कुछ अलग चीजें दिख रही हैं आप लोगों को 40 के बाद, बताइएगा भाई। यस, एक ये दिख रहा है 41, 40 के बाद जो दिख रहा है ये दिख रहा है 41, यस सर ये दिख रहा है 41, और दूसरा दिख रहा है ये 42, यस सर ये 42 दिख रहा है, और टोटल जो है 42 होंगे, और 42 का मतलब सर 43 नहीं होगा, केवल 42 ही होंगे, और इसका मतलब ये, वाह क्या बात है, 44 निकाल दिया मिथुन घोष, नहीं सर यहां पे जो होंगे 42 तो निकल गया, 44 कैसे होंगे भाई, 18 इसमें होंगे, 18 3 21 एक 22, यहाँ पे 3 3 6 3 9 3 3 6 9 9 9 18, बिल्कुल सही, 18 4 22, और यहाँ पे 18 हो जाएंगे, 19 ये 20 ये, तो 18 18 36 4 40, 2 42, केवल 42 होंगे, और इसका राइट आंसर नन ऑफ दीज आएगा, यही परफेक्ट और एग्जैक्ट आंसर है नन ऑफ दीज। बहुत सारे बच्चों ने काउंटिंग किया होगा 41 43, क्या बात है, अच्छा कुछ बच्चों ने आंसर दिया है नन ऑफ दीज, बहुत बढ़िया भाई, राइट आंसर नन ऑफ दीज है। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाह क्या बात है, कितना बढ़िया क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, जल्दी से बताइएगा इस क्वेश्चन का सही जवाब क्या होगा, एक बार सारे स्टूडेंट भी मन के साथ, कुछ बच्चे ऐसे केवल देखते आंसर नहीं देते, मन के साथ बताएं इसका आंसर क्या आएगा। हां जी बताइएगा, ओनली 30 सेकेंड टाइम रहेगा, टाइम इज ओवर। अगर हम इन, देखो भाई सबसे पहले अगर बात करते हैं, ये C बराबर 3 G बराबर 7, और इन दोनों का डिफरेंस आएगा कितना, 4। अगर 4 में हम 3 का गुणा कर दे तो 4 3 12, यानी L आ जाएगा। सेम उसी प्रकार इनका डिफरेंस कितना होगा, 11 में से 6 गया, बचता है 5, और 5 का 3 गुना करेंगे आएगा 15, 15 बराबर हो, इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, अगर 12 में से 4 घटा दिया आ जाएगा 8, और 8 का 3 गुना करेंगे आएगा 24, और 24 बराबर होता है x, और x की वैल्यू 24, यानी राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी। क्या आप लोग भी यही आंसर दे रहे हैं, बहुत शानदार, x। क्वेश्चन नंबर 23, बताइए इस क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है, और इसका आंसर देना होगा आप लोगों, बताइए, हाँ करना तो आप ही लोगों को है, बताइएगा राइट आंसर क्या आएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, लॉजिक क्या लग रहा है सर, टाइम नहीं दिया, अरे भाई टाइम ले लो, टाइम ले लीजिए भाई, टाइम कितना सर, केवल आप लोगों का 20 सेकेंड, बताइए आंसर क्या आ रहा है, टाइम इज ओवर। अच्छा देखो भाई यहां पे लॉजिक ये लग रहा है ना, ये L है, L बराबर 12, और L बराबर क्या होता है, 12 होता है, एक बात समझिएगा बड़े गौर से, L बराबर 12 होता है, और अगर हम 12 का स्क्वायर कर दे तो 144 आएगा, और 144 का अगर आधा कर दो तो 72 होता है। जी सर हम ये कह रहे हैं कि P का स्क्वायर यानी P बराबर 16, इसका स्क्वायर 256 होता है, और अगर इसका आधा कर दोगे तो 2 1 कम 2 2 3 4 2 8 16, यानी 128 आएगा। R का जो स्क्वायर होता है 18, ये होता है 324, और आधा कर दोगे तो कितना आएगा, 1 6 और 2 2 4 162, जबकि N का स्क्वायर यानी 14 का स्क्वायर होता है 196, और अगर इसका हाफ करोगे तो यहाँ पे 2 9 18 होगा, और यहां पे 2 8 16 98, जबकि यहां पे दिया गया 94, तो बिल्कुल अलग क्या होगा, ऑप्शन नंबर बी, इस बात को दिमाग में बैठा लीजिएगा, तो राइट आंसर बी होगा, बहुत शानदार, सभी बच्चों ने अच्छा क्वेश्चन दिया। ये रहा सेकंड लास्ट क्वेश्चन, बताओ लॉजिक क्या लग रहा है, जल्दी से सभी स्टूडेंट बताएंगे इस क्वेश्चन में क्या लॉजिक लग रहा है, बता दो भाई,
सर टाइम नहीं दियो भाई, टाइम ले लो, कोई नहीं टाइम ले लीजिए भाई, अगर टाइम नहीं दिए तो टाइम आ गया। बताओ भाई अब क्या आंसर आएगा। ओनली 20 सेकंड टाइम है। टाइम इज ओवर, ठीक है। अच्छा देखिए लॉजिक क्या लग रहा है, अगर हम एक काम करें, देखो भाई यहां पे इससे इसको बनाना है, क्या करोगे, कुछ नहीं किया गया है। अगर 10 में देखो भाई इंक्लाइंडली आप लोग चलिए, अगर हम बात करते हैं यहां पे आप क्या करोगे, इंक्लाइंड ऐसे चलो, अगर 10 में 5 घटा दोगे, 5 घटा दो, सबसे पहले कितना घटाया हमने, 5 घटाया, सबसे पहले 5 को लेस कर दिया, कितना आ जाएगा e। अगर हम इसमें 5 में 4 घटा देंगे आ जाएगा a। अगर हम इसमें 3 घटा देंगे a में, तो ये कौन सा है, 27 में अगर 3 गया तो आ जाएगा 23, सॉरी 27 में 3 गया 24, तो यहां पर a हो गया, e हो गया, यहां पर आप लोग 24x हो गया। अगर इसमें आप 2 घटा दोगे तो 14 में 2 गया, कितना बचा 12l, और 12l अगर आप 19 में 1 घटा दोगे तो आ जाएगा 18। यानी कहने का मतलब यह है कि अगर आप इसमें 5 घटाओगे तो 28 में से 5 गया, बचा कितना, सर ये 28 है, कितना घटाएंगे, 5 घटाएंगे। अच्छा अगर 28 में 5 घटाएंगे तो भाई कितना आएगा, 28 में 5 घटाएंगे आएगा W, बिल्कुल सही। अब देखो भाई अगर हम इसमें कितना घटा दें, O में 4 घटा देंगे तो 15 में 4 घटाएंगे 11 आ जाएगा। अगर हम U में 3 घटा दें, पहले 5 4 अब 3 घटाएंगे तो 19 आएगा, सॉरी 19 नहीं 18 आएगा भाई, 18 तीन 21। अगर इसमें हम लोग 2 घटा देंगे तो कितना आएगा, 14 में से 2 गया आ जाएगा 12, 12 बराबर L, और अगर इसमें से 1 घटा देंगे आ जाएगा C, C L R K W का ही आंसर है। C L R K W, C L R K, अरे इसमें भी है क्या सेम वही चीज, C L R K W, अरे कोई एक ऑप्शन होगा भाई, C L R K W, अरे नहीं नहीं किए वी है, गलत है भाई, सी एल आर के डब्ल्यू है, डी ऑप्शन बिल्कुल राइट होगा। बहुत अच्छा आंसर आप सबों ने दिया, और ये रहा आज के सेशन का सबसे लास्ट क्वेश्चन, और देना होगा इस क्वेश्चन का बढ़िया वाला जवाब। टाइमिंग ओनली और ओनली आप लोगों के सामने 30 सेकंड का होगा। टाइम इज ओवर, देखो भाई लॉजिक क्या लग रहा है, एक छोटा सा पॉइंट, ये 165 कैसे आया। अब एक बात बताइएगा, यहां पर सैम बराबर एस बराबर 19 हो गया, ए बराबर 1 हो गया, एम बराबर 13 हो गया, सबको जोड़ लीजिए 19 और 20 13 33, और 33 में अगर 5 का मल्टीप्लाई कर दो तो भाई कितना आएगा 165, अरे 3 5 15 3 5 15 116, क्या वो लॉजिक इसमें काम कर रहा है। तो आप लोग एक काम करो सर, 13 और 3 16, अरे भाई डायरेक्टली 15 और 3 कितना होगा 18, 18 10 कितना होगा आप लोगों का 28, 28 3 31, और इनको जोड़ेंगे तो 31 में अगर 5 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 5 और 5 15 155। सेम उसी प्रकार टी बराबर 20, आई बराबर 9, एम बराबर 13, और आप लोगों को पता है 20 9 29 होगा, 29 30 42 में अगर आप 5 का मल्टीप्लाई करोगे, 5 2 10 और 5 5 20 और 1 21 210, कितने बच्चों ने आंसर दिया बेबी, बहुत अच्छा आंसर है, सभी बच्चों का आ गया है। तो बच्चों आज के सेशन को हम यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर मिलेंगे नेक्स्ट डे सेम टाइम, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत, अपना